के पूरा एकदम जय श्री राम। भी करने वाले आगे, तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर राम भगवान ऊपर चढ़ गए। तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो, आप सभी का फिर से मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। गाइस आज हम जा रहे हैं शक्ति ग्रुप के राजा का आगमन देखने। गए रवि फाइटर वहाँ के ओनर है, मैन है ग्रुप के और चीफ गेस्ट है द वन एंड ओनली द इंडिया के आइकॉन। अगर हिंदुत्व पे बात आई तो खड़ा होगा ये भाई, हिंदुस्तानी भाऊ। तो क्या बोलती पब्लिक, टप लेते। तो आज हमारे साथ है शैलेश और शैलेश के साथ हम जो जाएंगे आगमन में। तो गाइस क्राउड तो बहुत ही होगा उधर, क्योंकि हिंदुस्तानी भाऊ आ रहे और लाइटिंग गाइस और उनके गणपति का आगमन एक नंबर होता है। पिछले साल भी बहुत बड़ा चॉप किया था, मुंबई से भी टीम आई थी। तो यार इस बार देखते हैं क्या मुंबई से टीम आती है कि नहीं। तो अभी हम जाएंगे वहां पर, पूरा वीडियो दिखाएंगे गाइस। और आज कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिख देना और गणपति बाप्पा मोरिया भी लिख देना गाइस। तो गाइस शुरू करते है, बोला गणपति बाप्पा मोरिया। तो आओ गाइस चलते है। तो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पहुंच गए, इसको बोलते हैं गुजरात गैस सर्कल। और जो शक्ति ग्रुप के राजा का आगमन है वो वहां से होगा। और देखो गाइस लाइव होने के लिए खाली शक्ति ग्रुप के राजा का यहाँ पर एक एलईडी दी है और अंदर भी बहुत सारी एलईडी है। अभी मैं अंदर जाऊंगा और पूरा शॉप दिखाऊंगा, ठीक है। क्रेन व्रेन डीजे सब कुछ आने वाला है और पहली बार काइनेटिक बॉल की लाइटिंग आपको दिखाने वाला हूँ मैं। बहुत ही जबरदस्त लाइटिंग की है, काइनेटिक बॉल का ऊपर नीचे हाइड्रोलिक से होती है, उन लोग के पूरा सेटअप उन लोग ने बिठाया है। तो आइए आगे चलते। तो गाइस ये रेडी हो जाओ, ये दूसरा सेटअप है लाइट का और ये भी मतलब लाइट ऊपर जा रही है। ये देखो गणेश आगमन 2023 शक्ति ग्रुप फाइटर और दूसरा लाइट का सेटअप है वहां पर। और गुजरात में पहली बार जो काइनेटिक बॉल लाइट की है वो गुजरात में पहली बार देखने मिलेगा आगमन में, पूरे गुजरात में, ठीक है गाइस। और एक सूरत में और एक अहमदाबाद में और तीसरा मुंबई में। तो आज ये आगमन में लगी है। तो अभी एक डीजे देखो गाइस पीछे, तो वहां भी हम चलते, ठीक है। और आगे हम जा रहे हैं वहां पे पूरा दिखाएंगे। और ये शक्ति ग्रुप का मंडप है यहाँ पर, ये पूरी लाइटिंग उन लोग ने ही लगाई है पेड़ों को। तो गाइस जितना भी आगमन होगा सूरत का वो रात को ही होने वाला है। रात को क्यों होता है गाइस, क्योंकि यहाँ पे डीजे ढोल ताशा पथक और लाइट का जो शो होता है ना वो गाइस बहुत ही बढ़िया होता है यहाँ पे शो। अभी देख सकते हो क्राउड आना चालू हो गया यहाँ पे और यहाँ पे सब लोग जा रहे हैं, ठीक है। अभी हम गणपति का आगमन भी दिखाएंगे। आप देखते कितने पुलिस वाले लगे हैं यहाँ पर और जो रॉयल ब्रांड ब्रांड वाले आ गए यहाँ पर, ब्रांड वाले ये पहला सेटअप इनका यहाँ पर। और ये डीजे का डीजे सेटअप देखिए, ये बड़ी सी ट्रॉली पर है और यहाँ पर पीछे और भी एक ट्रॉली है। तो ये गाइस इनका डीजे, तो जिसको बैंड पर नाचना है वो बैंड पर नाचेगा और जिसको डीजे पर नाचना है वो डीजे पर नाचेगा। अभी यहाँ पर हिंदुत्व का झंडा निकलेगा यहाँ पे, ये देखिए गाइस एक नंबर डीजे आ रहा है यहाँ पे पीछे।
पड़ेगा करने के लिए वहाँ पर हम दिखा सकते हैं। ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पर ये काली माता का रूप धारण करके आए और ये भी माता है। आप देख सकते हो ये बाहर से आए लोग, यहाँ पर पूरा आगमन होने वाला है, आगमन के साथ साथ इन लोग परफॉर्मेंस भी करने वाले आगे। और अभी गणपति का आप पीछे ले गए श्री कृष्ण, हनुमान जी, लक्ष्मण जी और सीता जी आप जा रहे देख रहे हो। तो बग्घी कितनी मस्त सुंदर सजा के आगे जा रही है और वहाँ पर पूरा सेटअप लग रहा है। ये सब बाहर से आए गाइस, ये दिखा देगा महाकाल वाले, ये महाकाल है यहाँ पर पूरा। ये देखिए गाइस पूरा सेटअप है पूरा महाकाल वाला, और ये महाकाल जी है दिख रहे हैं, और ये पूरा एकदम जय श्री राम। पूरे राक्षस राक्षस बन गया है और वहाँ पर इनका परफॉर्मेंस होने वाला है। अभी देख सकते हो गाइस एकदम रियल जो देख रहे हैं ना, जैसे भस्म लगाए वैसे जबरदस्त लग रहे हैं हमारे। जय श्री राम, जय महाकाल। एक नंबर पर एक क्राउड देखे गए, वहां तक क्राउड है और डीजे देखे गए, डीजे तो बहुत ही जबरदस्त है। और जो बाहर से लोग आए ना उनका भी पूरा यहाँ पे परफॉर्मेंस होने वाली है। एक तरफ राम है और दूसरे तरफ लक्ष्मण, फुल पैसा खर्चा, फुल लुटा पैसा। और जो काइनेटिक बोल्स देख रहे हो गाइस वो पूरे सूरत में पहली बार हो रहा है ऐसा आगमन, तो ये आप पहली बार ही देखने मिलेगा, ये बाकी किधर देखने नहीं मिलेगा। तो इतना बढ़िया लग रहा है गाइस। और देखो जो राम की मूर्ति है वहां पर वो भी हाइड्रोलिक पर है, वो ऊपर जाएगी और गोल गोल राउंड मारेगी। ये देखिए गाइस इधर अभी पूरी बंदोबस्त थोड़ा हो गया है, अभी थोड़े ही समय में हिंदुस्तानी भाव है जो यहाँ पर उनका भी आगमन होगा। देख सकते हो ये भाई साहब, ये देखिए गाइस फुल कलर एक नंबर। पूरे सूरत में गाइस ऐसा आगमन इधर ही नहीं होगा, खाली ये अड़ाजन में ही हो रहा है, वो भी शक्ति ग्रुप के तरफ से, शक्ति फाइटर ग्रुप के तरफ से। यहाँ भी राम है, लक्ष्मण है, वहाँ भी लक्ष्मण और राम है, और ये राम की मूर्ति और ये काइनेटिक राइट बलून। अगर बनाया तो
दिया था इधर उधर से। अब इस भगवे का घमंड है तो है, ये चीज खुलेआम बोल देंगे। और जिस दिन लगा कि जिंदगी का पत्थर डूबने का है, हम उस पे जय श्री राम लिख देंगे। बोलो जय श्री राम। एकदम कड़ा साला जलवा है शुरू की पब्लिक का एकदम गलत का विरोध खुलकर कीजिए, चाहे फिर वो राजनीति हो या समाज। इतिहास आवाज उठाने वालों का लिखा जाता है, पलवे चाकू वाले भरवे जाने। और कृपया जरा सफल करो, तुम्हारे धक्के मुक्की करने का नहीं, तुम्हारा भय है ना। देख सकते हो वहाँ पर हिंदुस्तानी भाव है और हमें बहुत सारा धक्का मिला, इसलिए हम लोग पीछे आ गए। गाइस कुत्ते जैसा धक्का मार रहे थे पीछे से, वहाँ पे हिंदुस्तानी भाव आएगा। भाई सच में इतना धक्का दुखी पहली बार देख रहा हूँ, बहुत ही पता नहीं अचानक से भीड़ आ गई, अचानक से हम लोग को पीछे डाल दिया, बहुत ही धक्का हो रहा है। और वहाँ पे हिंदुस्तानी भाव जो है अपना भाषण दे रहे। तो गाइस जैसे कि देख रहे हो यहाँ पर हिंदुस्तानी भाव आ चुके हैं और थोड़ी देर में वो जो राम जी की मूर्ति है वो ओपन करने वाले, फिर ये मूर्ति शायद गोल गोल राउंड मारेगी। और देख सकते हो एक क्राउड जो लाइट था वो ऊपर चले गए, अभी ये रहे हिंदुस्तानी भाव। ये देखिए गाइस राउंड अप हो रहा है यहाँ पे, श्री राम जी का ध्वज आ गया है बीच में। अभी मैं थोड़ा बहुत लेने की जो कोशिश कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, उस प्रॉपर आपको वीडियो मिल सके। तो गाइस यहाँ पर हिंदुस्तानी भाव हुए, जय श्री राम को मूर्ति को ओपन कर दिए, आप देख सकते हो उसके बाजू में रवि फाइटर है और हिंदुस्तानी भाव पीछे है आप देखो। और ये देखिए गाइस एक नंबर प्रॉपर वीडियो आपको मिल सकेगा, जितना इसलिए पूरा अच्छे से ले रहा हूँ। हिंदुस्तानी भाव अभी लगता है जाने वाले, और जो पुलिस बोल रही इनको बजाने का बंद कर दो, बट क्यों पता नहीं। ये हिंदुस्तानी भाव भी जाने वाले यार।
क्राउड बहुत ही ज्यादा है गाइस, अभी बहुत ही खतरनाक धक्का मुक्की हुई थी इसके पहले। तो गाइस प्लीज यहाँ पे छोटे बच्चे को तो लाना मत अगले साल। तो है दोस्तों, वीडियो देख के आपको बहुत ही मजा आया होगा और हमें तो वहां पर मजा आया था क्योंकि गाइस हिंदुस्तानी भाव को देखने के लिए इतनी पब्लिक आई थी यहाँ से वहां धक्का मार रही थी। मैं तो बहुत पीछे चला गया था और मैं एक सॉरी मांगना चाहता हूँ क्योंकि वो जो भगवान के गेटअप में आए थे उनका मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया क्योंकि मेरे मोबाइल की पूरी बैटरी डाउन हो चुकी थी गाइस, जैसे जैसे मैंने वीडियो शूट किया है, ठीक है इतना। और गाइस हमें तो बहुत अच्छा लगा वहां पर। अगर आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ये नीचे बेल आइकन आ रही है ना गाइस, इसे प्रेस करो ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे गाइस। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गणपति बाप्पा मोरया।